मुझे पता है कि पापा नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? वो नहीं चाहते कि मैं उनके आसपास रहूं। कोई जरूरत नहीं है बेटा, उसे करने दो अपने मन की। वैसे मुझे भी उससे कोई इमोशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। रोहित को आपसे क्या तकलीफ है? मुझे भी नहीं पता, बट ही बिहेव्ड वेरी बैडली एंड स्पोक वेरी रूडली टू मी। एक्चुअली मुझे कुछ डिस्कस करना था आपके साथ। ओके, मैं जरूर आती हूँ। आई विल सी यू सून सर। ओके, सी यू। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, आने को कहा। तो चलिए फिर। नहीं डॉक्टर कुलकर्णी, अभी नहीं। आई एम नॉट रियली प्रिपेयर्ड। अब भी आई वुड लाइक टू अवॉइड रियली। मेरे ख्याल से तो आपको मन में ऐसा कुछ नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर कुलकर्णी, मेरे मन में वैसे भी ऐसी कोई बात रहती नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई अनप्लेजेंटनेस आए। देखिए, जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होनी होती है वहाँ होकर ही रहती है। तब मुझे ही देखिए ना, मैं कहाँ बच पाया। आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं जिंदल साहब को दूसरा डॉक्टर कुलकर्णी बनते हुए नहीं देख सकती। डोंट वरी, वहाँ ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश बनते देर नहीं लगती। आपकी हालत देख रही हूँ ना मैं। कॉफी पीजिए। फोन चेक किया आपने? डॉक्टर कुलकर्णी। कुछ हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। इन आंसुओं को रोकना पड़ेगा। यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर डैड ऑल्सो। कोशिश तो कर रही हूं, पर पता नहीं। मैं समझ सकता हूं, कहना आसान होता है बट प्लीज, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ होती है और डैड देखेंगे तो उन्हें भी बहुत तकलीफ होगी। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। रोहित भैया आ गए वापस? नहीं। आई एम सॉरी बट कुछ समझ नहीं आ रहा। आई मीन, कोई ऐसी बात हुई है क्या जो वो ऐसे कटे कटे और अलग से हैं? पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो अंदाजा होगा ना तुमको, पापा या उनके बीच कोई ऐसा इशू है क्या जो इस तरह? मुझे सच में कुछ नहीं पता। पिछले 5 सालों से मैं खुद घर से दूर हूँ। पीछे से माँ, भैया और डैड के बीच क्या बात हुई मुझे कुछ नहीं पता। माँ ने भी कभी जिक्र नहीं किया? फोन पर क्या बताती, शायद मिलकर कुछ बात हो पाती तो पता भी चलता। एनीवेज, तुम ये देख लो। Want to change? मैं ये कपड़े लेकर आया हूँ। हाँ। बैठिए डॉक्टर साहब, बैठिए। कैसे जिंदल साहब? ठीक हूँ। सॉरी लेट हो गया। डजंट मैटर कुलकर्णी साहब, यहां कौन सा कोई शेड्यूल बिगड़ा जा रहा है। आराधिता कैसी? ठीक है,
ऊपर से तो दिखा रही है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप साथ हैं, इमोशंस शेयर कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. हाँ मैं तो हूं, लेकिन माँ की कमी बस वो तो है. बेचारी निले की माँ वो कमी पूरी करने की कोशिश कर रही है. या शी इज अ नाइस वुमन. वो आस्था नहीं आई? हाँ उन्हें कुछ काम आ गया था. डॉक्टर साहब लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं. नहीं नहीं जिंदल साहब ऐसा कुछ नहीं है. कुछ तो है डॉक्टर साहब जो आप मुझे बता नहीं रहे. नहीं नहीं ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? इसलिए कि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है. वो एक्चुअली मेरे ख्याल से आप आस्था जी से मिलेंगे तो उन्हीं से बात कीजिएगा. यानी ये बात आस्था से रिलेटेड है? जी लेकिन प्लीज आप उनसे मत कहिएगा कि मैंने आपसे कुछ कहा. ओके बताइए. बात यह है जिंदल साहब कि जब कल आस्था जी आपके घर आई थी रोहित ने उनके साथ बहुत रूडली बिहेव किया. उन्हें काफी ह्यूमिलेटेड महसूस हुआ. फीलिंग बेटर? हाँ. आंखों में अभी आंसू है तुम्हारे? रोहित भैया का फोन. हाँ भैया. कहाँ हो तुम? घर ही पे. अपने घर या डैड के यहाँ? हाँ यही डैड के घर पे. ओके अच्छा टेल मी वन थिंग, इज इट पॉसिबल कि हम तुम्हारे घर पे मिल सकते हैं? मेरे घर पे? क्यों क्या हुआ? अरे वो मैं मिलकर बताता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारे घर पे मिल सकते हैं या नहीं. क्या हुआ? आई टोल्ड यू ना बताऊंगा. लेकिन आप तो यहाँ आने वाले थे ना? आऊंगा मैं, बट राइट नाउ जस्ट टेल मी तुम्हारे घर पे मिल सकते हैं या नहीं. प्लीज भैया बोलो तो सही, बात क्या हुई? मुझे टेंशन हो रही है. टेंशन किस बात की हो रही है? डोंट बी स्टूपिड. कुछ इश्यूज हैं, उनके बारे में बात करनी है तुम दोनों से. लेकिन क्या इश्यूज हैं? कुछ तो बोलो. वही तो कह रहा हूँ ना, मिलकर बताऊंगा. टेल मी तुम्हारे घर पे मिल सकते हैं या नहीं. यहाँ आके नहीं कह सकते? अरु मैं जो पूछा उसका जवाब दो ना यार. मैं दो मिनट में बताऊं आपको. इतना क्या सोच रही हो? जस्ट टेल मी यस और नो. प्लीज भैया बस दो मिनट, मैं फोन करती हूँ आपको. ओके. क्या हो गया? रोहित भैया कह रहे हैं कि वो मुझसे और तुमसे कुछ खास बात करना चाहते हैं. तो हेलो. हेलो आस्था जी. जिंदल साहब कैसे हैं आप? आई एम फाइन थैंक्स.
आप आई नहीं? I'm really sorry, जिंदल साहब, मैं आ नहीं पाई. I've been very badly caught up. फिर कुलकर्णी साहब ने कहा कि वो लोग जा रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार वो हो आए, उसके बाद मैं आऊंगी. कब आएंगी आप? जी I mean, कोई काम हो तो बताइए, I'll definitely be there. दोस्तों से क्या काम हो सकता है, बस मिलके मन की बात कहनी होती है. Right. I will try to come as early as possible, sir. Asta, tell me one thing. Is there anything that is stopping you? Ji? I mean, कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से आप यहाँ आने से कतरा रही हैं? नहीं जिंदल साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके. अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप सच बताएंगे? Of course. कल रात रोहित ने आपसे क्या कहा? रोहित ने? जी हाँ. नहीं, ऐसा तो उसने कुछ नहीं बोला मुझसे. मैंने आपसे सच बोलने के लिए कहा है. नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है. Seriously, forget it, really. कैसी बात है वो मुझे डिसाइड कर लेने दीजिए. आप बस इतना बताइए कि कहा क्या उसने. जिंदल साहब, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जाने दीजिए, रियली. प्लीज आस्था जी, आई हैव हर्ड कि उसने कुछ बदतमीजी की आपसे. नो नो, नॉट एट ऑल. वो डिस्टर्ब था इसलिए कुछ मुंह से निकल गया होगा, नथिंग एल्स. कहा क्या उसने? नथिंग जिंदल साहब. अच्छा, आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं जब आऊंगी तो आपसे बात करूंगी. कब आएंगी आप? मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करती हूँ. प्लीज आइए. और जो कुछ भी रोहित ने कहा है उसके लिए आई एम सॉरी. जिंदल साहब, ऐसी कोई बात ही नहीं है. अब आप मुझे गिल्टी फील करा रहे, रियली. और आपको ना तो रोहित से कुछ कहने की जरूरत है और ना मुझसे. मैं आती हूँ, आमने सामने बैठ कर बात करेंगे, ठीक है? ओके, आई विल वेट फॉर यू. बाय. बाय सर. नेहा, क्या दिलन साहब के फादर आए हैं? इसमें पूछना क्या है, भेज दो उन्हें अंदर. डॉक्टर साहब. बाबू जी नमस्कार. बाय लगू. हाँ, जिंदा रहे, खुश रहे. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. अब मुझे फोन करते, मैं आ जाता आपके पास. यार एक कोई गल है, जब तक जिंदा है हाथ पांव चलते रहने चाहिए. बिल्कुल. आइए बैठिए प्लीज. थैंक यू. आराम से. कहिए क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? ना, कोई लोड नहीं. चाय कॉफी तो मैं पीता ही नहीं. सॉरी, आपके लिए लस्सी मंगवाते. नहीं यार, कोई जरूरत नहीं है. तू फॉर्मेलिटी में मत पड़, मुझे जरूरत होगी तो मैं खुद मांग लूंगा. आजा बैठ जा. ओके. बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? ओ यार, सेवा तो उस दिन ही करा दी जबरदस्ती गुरुबख्श के कहने पर, वरना मुझे तो ये टेस्ट उस कराने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हो रही थी. नहीं बाबू जी, लेकिन एक उम्र के बाद रेगुलर टेस्ट करवाते रहना जरूरी है ताकि सब कुछ रूल आउट हो जाए. रिपोर्ट आ गई मेरी? जी बिल्कुल, सब कुछ नॉर्मल है, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा एक आध हफ्ते में. मुझे भी लगता है हो ही जाएगा, लेकिन आप गुरुबख्श को ये समझा दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. जी वो तो मान ही जाएंगे जब कुछ ऐसा है ही नहीं. हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ पुत्र, चाहे कोई भी बात हो लेकिन गुरुबख्श से यही कहना कि आई एम परफेक्टली ऑल राइट. बाबू जी यू आर ऑल राइट, इसमें कोई दो राय ही नहीं है. और चलो रब दी मेहर है. पर एक बात बता. जी पूछिए. अगर मैं तेरे साथ कोई सीक्रेट शेयर करना चाहूं तो तू गुरुबख्श को बताएगा तो नहीं? जी नहीं बताऊंगा. ऐसी कौन सी बात है? ये भी बेटी की ही तरह है. नहीं प्रभु, पुत्र क्रियाओं के नियम होते हैं. जिसने मुखाग्नि दी है
सारे श्राद्ध कर्म करने का अधिकार उसी को है। गल ये है कि देखो मैं तो अब हो गया हूँ बुढ़ा, तो मेरा तो कभी भी ऊपर वाले के यहाँ से बुलावा आ सकता है। आपको ऐसा क्यों लगता है बाबूजी? आप तो बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक तो हूँ ही, लेकिन इस उम्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर मुझे छोड़। एक्चुअली गल ये है कि मुझे सिमरन की बड़ी फिक्र है। सिमरन की? हाँ। क्यों बाबूजी? अब मुझे पता नहीं कि तुझे मालूम है या नहीं उसके केस के बारे में। जी देख पुत्र, मुझे तो सारा कुछ मालूम है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुझे भी मालूम है कि नहीं? जी मालूम है, लेकिन आपको किसने बताया? और ये समझ के रब ने ही बताया, पर तुझे पता है ना? हाँ मुझे तो पता है, लेकिन धिल्लन साहब ने कहा था कि आपको इस बात का पता ना चले। तो ठीक है, तूने कब बताया मुझे? और तू भी यही जाहिर करना जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे? ओ नहीं यार, मेरा मतलब है मुझे मालूम है, ये बात तुझे नहीं मालूम। कौन सी बात? ओ यार क्या हो गया तुझको भाई? सिमरन की बात मुझे मालूम है, लेकिन ये बात तुझे नहीं मालूम है, ऐसा जाहिर करना है गुरुबख्श के सामने। ओके ओके समझ गया, मैं नहीं शो करूंगा। क्या नहीं शो करेगा? वही जो आपने कहा। क्या कहा मैंने? जी यही के मुझे ये शो करना है कि मुझे नहीं पता कि आपको सिमरन के बारे में पता चल चुका है। वेरी गुड। अब एक और बात बतानी है। जी कहिए ना। लेकिन प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये बात भी गुरुबख्श को बिल्कुल नहीं बताओगे। जी प्रॉमिस। थैंक यू। अब जरा ये फाइल देख और मुझे बता। ओमा पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सवा हियाभ्यन्तरा शुचिः पवित्रेस्तो वैष्णव्यो उद्भुनाः मच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः अवयमि स्थापयामि चंद्रमा मनुषो जातसो सूर्यो अजात श्रोत्रादायुष प्राणश मुखादग्निजात। कहाँ है पुत्र आपका? वो बाहर गए हैं पंडित जी। बाहर नहीं जा सकते महाराज, जिस जातक ने मुखाग्नि दी है सारे तर्पण उन्हीं को करने हैं। वो मैं नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं पंडित जी, ये हमारे दामाद हैं, ये भी बेटे की ही तरह है। नहीं प्रभु, पुत्र क्रियाओं के नियम होते हैं, जिसने मुखाग्नि दी है सारे श्राद्ध कर्म करने का अधिकार उसी को है। आराधे सा बेटा जरा फोन लगाओ, पूछो रोहित से कहाँ है वो। जी पापा, मैंने फोन किया था, उन्होंने बोला वो आ रहे हैं। बेटा दोपहर के बाद दिया हुआ तर्पण बेकार होता है, जल्दी बुलाइए। नहीं उठा रहा है।
आपको अपना ख्याल रखना ही होगा। और प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं आपका प्रॉमिस नहीं रख पाऊंगा। मुझे धिल्लन साहब को इस बारे में बताना ही पड़ेगा। ओए किसकी रिपोर्ट है? मेरी है, दिल्ली में कराए थे मैंने ये सारे टेस्ट, ठीक है ना सब? हाँ सब सब ठीक है। तेरी शक्ल देख के तो नहीं लगता कि सब ठीक है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है पुत्र कि इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मुझे बोन मैरो कैंसर है। क्या हुआ डॉक्टर, ऐसे क्यों देख रहे हो? बहुजी आपको पता है ये? हाँ बिल्कुल पता है, सेकंड स्टेज पर है। आपको कब पता चला? यहाँ आने से पहले ही मालूम था मुझे पुत्र। और आप इतना लाइटली ले रहे हैं इसको? पुत्र जिंदगी की मुश्किलों को हंस के लेना चाहिए, हमें तो फौज में यही सिखाया गया था। ना तू परेशान ना हो पुत्र, और जो होना है वो तो होके रहेगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये बात ना गुरु बख्श को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। अरे नहीं बाबूजी, ये नहीं, तूने प्रॉमिस किया है मेरे को, तू प्रॉमिस ना करता तो मैं तेरे को भी नहीं बताता। लेकिन बाबूजी ये गलत है। देख पुत्र, मौत तो एक दिन आनी है, वो आके रहेगी। मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि सबको सुखी देखकर सुकून से जा सकूँ। लेकिन यहाँ आकर मुझे सिमरन के केस के बारे में पता चला, मैं जाने से पहले अपने सिमरन को सेटल देखना चाहता हूँ। बाबूजी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना है। और मेरा रब है ना मेरा ख्याल रखने को, अगर वो चाहेगा कि मैं जिंदा रहूं तो कोई मार नहीं सकता, और अगर वो बुलाना चाहेगा तो कोई रोक नहीं सकता। जी बाबूजी, लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते। किस तरह? आपको अपना ख्याल रखना ही होगा। और प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं आपका प्रॉमिस नहीं रख पाऊंगा। मुझे धिल्लन साहब को इस बारे में बताना ही पड़ेगा। ओए कैसा बंदा है यार तू, प्रॉमिस करके मुकर रहा है। नहीं बाबूजी, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं गिल्ट के साथ जीता रहूंगा। उनको बताना जरूरी है, वो आपके बेटे हैं। अच्छा तो तू मेरा कौन है? तू भी बेटा ही है ना? जी हूँ। तो फिर एक बेटे को बताना काफी नहीं है, ये जरूरी है कि दूसरा भी परेशान हो। तो फिर मुझसे बात करने के बजाय तुम मेरे वकील के पास किस लिए गए थे? ये पूछने के लिए ना कि मैंने अपनी विल में तुम्हारे नाम क्या लिखा है? पूछने में बुराई क्या है? तो मुझसे पूछने में क्या बुराई थी? मुझे नहीं लगता कि आपका और मेरा कभी भी ऐसा रिश्ता बन पाया कि मैं साफ साफ आपसे बात कर सकूं। ऐसा रिश्ता नहीं बन पाने में किसका कसूर है? ये पूछने या कहने की जरूरत ही कहां है? क्यों नहीं है बोलो।